गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू अड्डा 24/7 गाइस। जितने लोग देख रहे हैं एक बार जल्दी से सभी लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे एंड देन शुरू करते हैं आज का अपना डिस्कशन और डिटेल में चीजों को डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताता हूं आज की क्लास बहुत बहुत शानदार होने वाली। रीजन, आज के जो क्वेश्चन का लेवल है ना, वो मतलब जो क्वेश्चंस मैंने सेट किए वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है एक तरीके से आपके लिए। गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू अड्डा 24/7। वॉइस तो बिल्कुल जबरदस्त आ रही है आप लोग। तो मैं आप लोग बताता हूँ कि आज का जो सेशन है वो बहुत शानदार होगा। रीजन कि भाई क्वेश्चंस बिल्कुल मतलब एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेट किए हैं। तो भाई सेशन को शुरू करने से पहले क्या करना है, एक बार अपना जोश दिखाना है, लाइक करना है, शेयर करना है जहां तक आपकी रीच है। और जितने लोगों ने अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी लोग अड्डा 24/7 को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। एंड माय डियर स्टूडेंट, क्लास खत्म होने के बाद सभी लोग क्या करेंगे, कमेंट करके जाएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी या आपको क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट है। हर समस्या का समाधान हम लोग करेंगे। चलिए आगे मूव करते हैं, एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई अड्डा 24/7 पे फ्लैश सेल चल रही है, ठीक है। तो इस पे मिलेगा आपको Y170 कोड, अप्लाई कर लीजिए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा बच्चे, ठीक है बच्चे। चलिए आगे मूव करते हैं, एक इन्फॉर्मेशन और देते हैं। वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि अगर आप IBPS PO और क्लर्क, IBPS RRB क्लर्क और PO प्री टू मेंस बैच की तलाश में थे, तो भैया आपका बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इस बैच को जाइए और ज्वाइन कीजिए, Y170 मेरा रेफरल कोड है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर आप मेरे से पर्सनल सजेशन चाहोगे तो मैं क्या करूंगा, मैं आपसे कहूंगा, देखो अगर मैं आपसे कहूं IBPS RRB PO RRB की तैयारी कर लो, देखो सीधी सीधी बात समझो, बहुत ध्यान समझना, मैं आपको बहुत यूनिक चीज आपको बताता हूं। देखो IBPS RRB की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, IBPS PO की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप, SBI की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप, RBI की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या किसी भी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपको अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग बैचेस ज्वाइन करने पड़ते हैं। अब देखो यार, बहुत सारे बैचेस आप लोग ज्वाइन कर लेते हो। अब हम आपको बताते हैं वन एंड ओनली एक सोल्यूशन। आप किसी भी एग्जाम, आप IBPS RRB को फोकस करें, आप IBPS PO क्लर्क को फोकस करें, आप SBI PO क्लर्क को फोकस करें, आप RBI का कोई एग्जाम फोकस करें, कुछ भी फोकस कर रहे हो, सभी का वन एंड ओनली सोल्यूशन है बैंक का महापैक। क्या बैंक का महापैक? बैंक के महापैक में आपको सारे बैंकिंग एग्जाम की क्लास मिलेगी। यार मैं अपना बैच आपको नहीं कह रहा हूं कि आप मेरा बैच ज्वाइन करें, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग बैंकिंग का महापैक ज्वाइन करें। क्यों? रीजन है यार इसका रीजन ये है कि अगर मैं आपसे कहूंगा IBPS RRB का मेरा बैच है ज्वाइन कर लो, अब आपका IBPS PO क्लर्क आ गया, अब उसको उसके लिए क्या करोगे, दूसरा बैच ज्वाइन करोगे? आने वाले समय में SBI आएगा, उसकी भी प्रिपरेशन करना चाहते हो, क्या दूसरा बैच ज्वाइन करोगे? या कितने बैच ज्वाइन करोगे? एक सोल्यूशन है ओनली, बैंक का महापैक। बैंक के महापैक में आपको लाइव क्लासेस, वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज, ई बुक सब कुछ मिलेगा, और सब सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी। ऐसा नहीं कोई रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी सारे एग्जाम्स की। इसको ज्वाइन कीजिए, अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए बेटर है। Y170 रेफरल कोड है मेरा, इसको ले जाके ज्वाइन कीजिए। और इवन मेंस के लिए आशीष सर का वॉरियर बैच भी आपको इसमें मिल जाएगा, आपको उसके लिए भी कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। रेफरल कोड Y170 जैसे लगाओगे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, ठीक है, एक बार जल्दी से बताइए सर, क्लियर? एक बार गाइस जल्दी से बताओ, यस सर क्लियर, ठीक है बच्चे, एक बार जल्दी से बताइए, यस सर क्लियर, ठीक है। तो सभी लोग क्या करेंगे, बैंक का महापैक ज्वाइन करेंगे। कोई भी इंडिविजुअल बैच ज्वाइन करने से बेटर है, मैं आपको पर्सनली सजेशन दे रहा हूं कि बैंक का महापैक ज्वाइन करो। इसमें लाइव क्लासेस, वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ, मतलब आपको टेस्ट सीरीज के लिए भी कहीं भटकने की जरूरत नहीं, सब कुछ यहां पर मिलने वाला है, सब कुछ बच्चे आपको यहां पर मिलने वाला है। चलिए आगे शुरू करते हैं डिस्कशन। चलिए एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, यस सर हम रेडी हैं, सर शुरू करते हैं डिस्कशन विदाउट टाइम वेस्ट। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने बनाइए, ये क्वेश्चन कल के होमवर्क का है, ये क्वेश्चन कल के होमवर्क का है, कैसे करेंगे? और मैं गारंटी लेता हूं कि आज के सेशन से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन मिलेगा, बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ पढ़ लेना, मजा आएगा क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर थ्री पाइप्स कनेक्टेड टू अ टैंक whose diameter are 4 cm, 6 cm and 8 cm respectively.
इफ एफिशिएंसी ऑफ ऑल द टैब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस एंड ऑल टैब वर्किंग टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 40 मिनट्स देन इन हाउ मैनी मिनट्स मस्ट मोस्ट एफिशियंट पाइप विल फिल द टैंक. कि भाई जो मोस्ट एफिशियंट पाइप है वो उस टैंक को भरने में कितना समय लेगा. अच्छा एक बात देखो, अब बात कर लेते हैं, हमारे पास तीन पाइप हैं, इनके डायमीटर दे रखे हैं. तो पहले का डायमीटर कितना है? कहोगे सर पहले का डायमीटर आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, दूसरे का डायमीटर कितना है 6 सेंटीमीटर, तीसरे का डायमीटर कितना है 8 सेंटीमीटर है. बोलो क्लियर. ये डायमीटर है तो रेडियस कितनी होगी? आपको पता है डायमीटर का आधा हमारा क्या होता है? रेडियस होती. यानी रेडियस कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर पहले वाले पाइप की. दूसरे पाइप की रेडियस कितनी होगी? कहोगे सर दूसरे पाइप की रेडियस हो जाएगी 3 सेंटीमीटर. तीसरे पाइप की रेडियस कितनी होगी? कहोगे सर तीसरे पाइप की रेडियस होगी 4 सेंटीमीटर. बोलो क्लियर. अब हम बात करते हैं वाटर एफिशिएंसी, इनकी एफिशिएंसी कितनी है. अब बात कर लेते हैं एफिशिएंसी की. देखो आपको पता है बच्चे कि एफिशिएंसी कितनी है. देखो जो पाइप की एफिशिएंसी वो डिपेंड करती है आपके रेडियस पे. एफिशिएंसी ऑफ ऑल पाइप आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस. मतलब आपकी जो नलों की क्षमता है वो त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है. ठीक है भाई. तो इससे कितना पाइप है, इससे कितना पानी आएगा? इससे पानी आएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 लीटर या 4 यूनिट पानी कह सकते हो. ये कितना है? इससे कितना पानी आएगा? 3 का स्क्वायर यानी 9 लीटर पानी आएगा. इससे कितना पानी आएगा? 4 का स्क्वायर यानी 16 लीटर पानी आएगा. बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर. अच्छा तीनों मिलकर कितना पानी भर रहे हैं? जरा ध्यान से देखो, 16, 4, 20 और 9, 29 तीनों मिलकर अगर हम ध्यान से देखें तो 29 लीटर पानी भर रहे हैं. कितना? 29 लीटर पानी भर रहे हैं, 29 लीटर पानी फिल कर रहे हैं. अच्छा तीनों मिलकर 29 भर रहे हैं और कितनी देर में टैंक को भर रहे हैं? 40 मिनट में टैंक को भर रहे हैं. इसका मतलब टैंक कितने लीटर का है? 29 × 40 लीटर का है. देखो तीनों मिलकर एक बार में 29 भर रहे हैं और एक मिनट में 29 लीटर भरते हैं और तीनों मिलकर 29 लीटर एक मिनट में भरते हैं और 40 मिनट में टैंक को भर रहे हैं. इसका मतलब टैंक कितना? 29 × 40 लीटर का है. अब इसे भरना कौन चाहता है? मोस्ट एफिशिएंट पाइप. मोस्ट एफिशिएंट पाइप क्या है? जो ये है, इससे एक बार में 16 लीटर. मतलब जो सबसे एफिशिएंट पाइप है वो कितनी देर में भरेगा? तो भाई जिसके बारे में पूछा गया उसका डिवाइड कर दो 16 का, आपका टाइम आ जाएगा. 8 से कैंसिल कर दो, 8 × 2 = 16, 8 × 5 = 40 मल्टीप्लाई कर, 5 × 9 कितना होगा? 45 यानी 5. कैरी कितना होगा? 4. 5 × 2 = 10, 4 × 14 = 14 डिवाइडेड बाय 2. 2 × 7 = 14 कितना हो गया? 15 हो गया. 2 × 7 = 14 कितना हो गया? सॉरी 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10 यानी 72.5 मिनट में वो टैंक को भर देगा. मोस्ट एफिशिएंट पाइप अगर अकेले भरेगा तो 72.5 मिनट में टैंक को भर देगा. बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर. माय डियर स्टूडेंट एक बार जल्दी से बताइए, यस सर क्लियर कि नहीं क्लियर. मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली, टेंशन मत लेना. चलिए आगे मूव करते हैं. देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोले क्लियर, क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर? बस इतना बता दिए फिर हम आगे बढ़ जाएंगे. बेटा एक बार जरा जल्दी से मुझे बता दिए क्या आपको क्लियर हुआ है? अगर क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ जाएंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके सामने बनाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 2. आज मैं टाइमर नहीं दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है और मैं चाहता हूं कि आज आपका पाइप एंड सिस्टम एटलीस्ट खत्म कर दूं जिससे कि आप लोग पेपर में अच्छा परफॉर्म करें और हमें जल्दी से जल्दी आपके लिए ये को खत्म करने के बाद आपको लगातार प्रैक्टिस भी करानी. अभी मैंने आपको ना सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज कुछ भी नहीं कराया है. क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि पेपर के टाइम पे आपको स्पीड मैथ और अच्छे से करा दें एक बार. चलो तो गाइस अगर सेशन अच्छा लग रहा तो लाइक एंड शेयर भी करते रहा करो. क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखो. क्वेश्चन कह रहा है टैब ए टेक्स 4 मिनट्स मोर टू कंप्लीट अ टैंक. टैब ए टेक्स 4 मिनट्स मोर टू फिल अ टैंक देन दैट ऑफ ए एंड बी टुगेदर टेक. मतलब ए और बी मिलकर जितने समय भरते हैं उससे 4 मिनट ज्यादा में बच्चे ए अकेले भर देता है. आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, टैब बी टेक्स 9 मिनट्स मोर देन दैट ऑफ ए एंड बी टुगेदर टेक्स. ठीक है भाई बहुत ध्यान समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है. भाई देखो हमें ये पता है कि ए और बी मिलकर जितने समय भरते हैं, मान लो ए और बी मिलकर टैंक को एक्स मिनट में भर देते हैं, एक्स मिनट में भर देते हैं,
ठीक है। तो ए जो है वो ए और बी द्वारा लिए गए समय से 4 मिनट ज़्यादा लेता है, यानी ए अकेले टैंक को एक्स प्लस 4 मिनट में फिल करेगा। अच्छा बी कितने समय में फिल करेगा? बी उसी टैंक को एक्स प्लस 9 मिनट में फिल करेगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? अब याद करो इसकी ट्रिक मैंने टाइम एंड वर्क में आपको बताई थी। क्या बताया था बच्चे? कि अगर ए और बी मिलकर किसी काम को एक्स डेज में करते, एक्स टाइम में करते हैं, और ए अकेले एक्स प्लस ए टाइम में करता है और बी अकेले एक्स प्लस बी टाइम में करता है, तो जो एक्स की वैल्यू होती है वो अंडर रूट ए बी होती है। क्या मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी? बिल्कुल बताओ यस सर, हाँ या नहीं? ठीक है, तो यहां पर आप डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? एक्स की वैल्यू जाएगी अंडर रूट 4 × 9, 9 × 4 = 36, यानी 36 बाहर आएगा तो बेटे हो जाएगा 6। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि देन फाइंड द टाइम टेकन बाई ए एंड बी टुगेदर फिल द टैंक। तो भाई ए और बी मिलकर टैंक को 6 मिनट में भर देंगे, तो वैल्यू कितने देर में भरेंगे? 6 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ यस सर क्लियर। एंड माय डियर स्टूडेंट, अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया तो मैं आपको चैलेंज देता हूं इस चीज का कि नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिए। क्यों? क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए शानदार है। अगला क्वेश्चन आपके लिए चैलेंज है, बनाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए फास्ट। अंकिता जी आपने 100% 36 कहा ना, चलिए अंकिता जी आप नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। चलो रजत कह रहे हैं सर एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में आया था। चलिए बहुत बढ़िया। देखो बेटे मैथ्स है रजत, बच्चे मैं आप ये समझ लो कि मैथ्स है किसी भी शिफ्ट में, चाहे एसएससी हो चाहे बैंक हो, भाई पाइपन सिस्टम है यार, कंसेप्ट सेम है, डिजिट चेंज करके ऊपर नीचे क्वेश्चन सेट करते हैं। चलिए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट तरीके से। चलो देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत ध्यान समझना। क्वेश्चन कह रहा है अस्यूमिंग पूल इज फिटेड विथ 3 पाइप्स। क्या? अस्यूमिंग पूल इज फिटेड विथ 3 पाइप्स, फर्स्ट 2 पाइप्स वर्किंग साइमल्टेनियसली फिल द पूल इन सेम टाइम एज द थर्ड पाइप अलोन। मतलब समझ में आया? देखो हमारे पास 3 पाइप हैं। पाइप ए है, ये हमारा फर्स्ट पाइप है, ये हमारा सेकेंड पाइप है, और एक हमारा थर्ड पाइप भी है। और थर्ड पाइप जो है वो हमारा क्या है? थर्ड पाइप जो है वो हमारे दोनों पाइप के इक्वल है, फर्स्ट पाइप और सेकेंड पाइप के बराबर एफिशिएंसी रखता है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? जो थर्ड पाइप है वो फर्स्ट पाइप और सेकेंड पाइप के बराबर है। देखो कह नहीं रहा है कि थर्ड पाइप एलोन, मतलब कह रहा इन अ स्विमिंग पूल इज फिटेड विथ 3 पाइप्स, फर्स्ट 2 पाइप्स वर्किंग साइमल्टेनियसली फिल द पूल इन सेम टाइम एज द थर्ड पाइप अलोन। मतलब जितने समय में दोनों पाइप मिलकर भरते हैं उतने समय में तीसरा पाइप अकेले भर देता है। बच्चे इस क्वेश्चन को बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? इतना क्लियर? अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे करेंगे। देखो हमने मान लिया कि तीनों मिलकर हम अब देखो या तो आप थर्ड पाइप मान लो या कह दो दोनों मिलकर कितने समय भरते हैं एक्स घंटे में टैंक को भर देते हैं। मान लो तीसरा पाइप टैंक को एक्स घंटे में भरता है। अब आगे स्टेटमेंट क्या कह रहा बहुत ध्यान समझना। देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एंड द सेकेंड पाइप अलोन, द सेकेंड पाइप अलोन फिल द पूल 7 आवर फास्टर देन द फर्स्ट पाइप। समझो ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई जो सेकेंड पाइप है वो पहले पाइप से 7 घंटे तेजी से भरता है। 7 घंटे तेजी से भरने का मतलब समझते हैं? अगर मैं कहूं मैं आपसे 7 घंटे तेजी काम करता हूं, 7 घंटे तेजी काम करने का मतलब होता है बच्चे कि मैं आपसे 7 घंटे कम लेता हूं, मैं आपसे 7 घंटे कम लेता हूं। अच्छा चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एंड फर्स्ट पाइप 9 आवर स्लोअर देन द थर्ड पाइप। जो आपका बहुत ध्यान समझना, बहुत बहुत ध्यान से समझना। फर्स्ट पाइप देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, द फर्स्ट पाइप 9 आवर स्लोअर देन द थर्ड पाइप।
जो फर्स्ट पाइप है वो थर्ड पाइप से 9 घंटे धीमे भरता है। 9 घंटे धीमे भरने का मतलब समझते हो बच्चे? 9 घंटे धीमे भरने का मतलब होता है कि 9 घंटे बेटे धीमे भरने का मतलब होता है कि जितना जितना समय थर्ड पाइप ले रहा है उससे 9 घंटे ज्यादा लेगा, x प्लस 9 घंटे लेगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा अब बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं सेकेंड पाइप के लिए। देखो भाई सेकेंड पाइप के लिए क्या कह रहा है, सेकेंड पाइप के लिए कह रहा है एंड सेकेंड पाइप एलोन फिल द पूल 7 आवर फास्टर देन द फर्स्ट पाइप। देखो भाई अब बहुत बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है यहां पर, थोड़ा सा क्वेश्चन में, थोड़े से क्वेश्चन में आई थिंक थोड़ी सी दिक्कत है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत है। सेकेंड पाइप एलोन फिल द 7 आवर फास्टर देन द फर्स्ट पाइप। बेटे बहुत ध्यान, एक मिनट रुकिएगा, आप लोगों को मैं क्वेश्चन करेक्ट करा देता हूं जिससे कि आप लोग क्वेश्चन में कभी कोई गलती ना हो। देखो बहुत ध्यान समझते रहना, एक स्टेटमेंट इन्होंने कहा कि द सेकेंड पाइप एलोन फिल द पूल 7 आवर्स फास्टर देन द फर्स्ट पाइप। 7 आवर फास्टर देन द फर्स्ट पाइप, 7 आवर फास्टर देन द फर्स्ट पाइप का मतलब बच्चे ये होता है कि 7 घंटे तेजी से भर देता है, मतलब 7 घंटे कम लेता है, 7 घंटे कम लेता है। बल्कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे बच्चे क्या होना चाहिए कि यहाँ पे 7 आवर्स स्लोअर होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन आपका मैच नहीं करेगा। देख लीजिएगा 7 आवर्स क्या होना चाहिए, स्लोअर देन फास्टर की जगह क्या होना चाहिए, स्लोअर होना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन मैच कर लेगा। कैसे बताते हैं, देखो 7 आवर्स अगर आप स्लोअर कर दो, फास्टर की जगह क्या कर दो, स्लोअर कर दो, नो डाउट फास्टर से बन जाएगा, फास्टर से भी क्वेश्चन बनेगा पर आपका रूट नहीं निकलेगा, पर बच्चे आपका रूट नहीं निकलेगा। एक मिनट बच्चे, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, गाइस एक सेकेंड आप लोग रुकेंगे, एक सेकेंड आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है द सेकेंड पाइप एलोन फिल द पूल 7 आवर फास्टर देन द फर्स्ट पाइप, ठीक है, ओके ओके, जो सेकेंड पाइप है वो फर्स्ट पाइप से 7 घंटे तेजी से भर, 7 घंटे तेजी से भरता है, चलो, एंड 9 आवर स्लोअर देन द थर्ड पाइप, और थर्ड पाइप से 9 घंटे ज्यादा लेता है। अच्छा थर्ड पाइप से 9 घंटे ज्यादा ले रहा है तो इसका मतलब ये जो है वो थर्ड पाइप से x प्लस 9 घंटे लेगा। अब देखो क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होगा, कितना लेगा, x प्लस 9 घंटे। अगर बच्चे ये x प्लस 9 घंटे लेगा तो फर्स्ट वाला कितना लेगा, ये देखो अगर सेकेंड पाइप 7 घंटे ज्यादा ले रहा है, 7 घंटे पहले खत्म कर रहा है, तो जो फर्स्ट पाइप होगा वो सेकेंड पाइप से 7 घंटे ज्यादा लेगा, यानी 9, 7, 16, मतलब ये कितना लेगा, 16 घंटे लेगा। अब देखो क्वेश्चन पूरा सेट हो गया, अब पूरा क्वेश्चन सेट हो गया। अब देखो हमें पता है कि फर्स्ट और सेकेंड मिलकर x घंटे में भरते हैं, और जो फर्स्ट वाला है वो x प्लस 16 घंटे में भरता है। देखो वही इक्वेशन बन गई, और जो सेकेंड वाला है बेटे वो x प्लस 9 घंटे में भरता है। देखो भाई क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार था, x की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट 16 गुणे 9, 16 यानी 4 गुणे 3 यानी 12, x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? अब बच्चे x की वैल्यू तो आ गई 12। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखो, क्वेश्चन कह रहा है सेकेंड और थर्ड पाइप कितनी देर में भरेंगे। आपको पता है सेकेंड थर्ड पाइप कितनी देर में भर रहा है, सेकेंड थर्ड पाइप भर रहा है 12 घंटे में, और ये कितनी देर में भर रहा है, 12 प्लस 9 कितना हो गया, 21 घंटे में, 12 प्लस 9 कितना, 21 घंटे में। अब आपको पता है सेकेंड पाइप भरता है कितनी देर में, 12 घंटे में, थर्ड पाइप भरता है कितनी देर में, 21 घंटे में, एलसीएम कितना आएगा, 84, 12 × 7 = 84, 21 × 84, 84/11 आवर्स, 84/11 आवर्स, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, कतई मजा आया कि नहीं आया पहले बताओ, क्वेश्चन कैसा लगा ये बताइए भाई, देखो क्वेश्चन कैसा लगा है पहले ही बताइए, ठीक है, क्वेश्चन मजा आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया शानदार, आगे मूव करते हैं। ये लो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, जल्दी बताइए, फास्ट चलने की कोशिश कीजिए और जल्दी से ट्राई कीजिए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर।
क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया है। हाँ कतई जहर, बहुत बढ़िया रजत जी कह रहे हैं सर कतई जहर क्वेश्चन है। चलो बहुत बढ़िया, अगर आपको जहर क्वेश्चन लग रहे हैं चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 36 मिनट एंड 45 मिनट्स रिस्पेक्टिवली, अनदर पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 30 मिनट्स, फर्स्ट ए एंड बी आर ओपन आफ्टर 7 मिनट्स सी इज ऑल्सो ओपन द टैंक इज फिल्ड अप इन, कि भैया जो टैंक है कितने समय में फिल करेगा। बहुत ध्यान समझो, आपको पता है जो ए है, जो ए है टैंक को 36 मिनट में भरता है, जो ए है टैंक को 36 मिनट में भरता है। अच्छा मैं बी की बात करता हूँ, जो बी है वो टैंक को 45 मिनट में भरता है, जो बी है टैंक को 45 मिनट में भरता है। और सी की बात करते हैं, जो सी है वो टैंक को 30 मिनट में खाली करता है, जो सी है टैंक को 30 मिनट में खाली करता है। सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 180, एलसीएम कितना आएगा 180। कोई भी पूछे टैंक की कैपेसिटी कितना है, 180 यूनिट या 180 लीटर कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है सर आई एम फर्स्ट, ठीक है। चलो देखो जो ए है 36 मिनट में 180 भर रहा है, एक मिनट में कितना भरेगा 5 लीटर भरेगा, 5 यूनिट भरेगा। बी 45 मिनट में 180 भर रहा है, कितना भरेगा 4। और जो सी है बेटे 30 मिनट में 180 खाली कर रहा है, इसका मतलब कितना खाली करेगा, 6 खाली करेगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। देखो क्वेश्चन कह रहा है ए और बी के खोले जाने के 7 मिनट बाद सी खोला जाता है ना, ए और बी के खोले जाने के 7 मिनट के बाद बेटे सी खोला जाता है। तो ए और बी मिलकर कितना भरा है 5 और 4 9, ए और बी मिलकर कितना भरा है 5 और 4 9। देखो 7 मिनट तक, 7 मिनट के बाद बच्चे अगर सी खोला जा रहा है तो 7 मिनट तक ए और बी खुले रहे, कितना भर रहे हैं 9 7 63 लीटर भर रहे हैं। 180 लीटर की टंकी थी 63 लीटर भर गई, तो शेष टंकी हमारी कितनी है पहले ये बताओ, शेष टंकी हमारे पास रह गई 100, रिमेनिंग कितना रहेगा 180 माइनस 63 कितना हो गया 117 लीटर। अब ये 117 कौन, अब 117 के लिए कहानी क्या होगी, अब क्या हुआ अब सी को भी खोला गया। अब जब बच्चे सी को खोला गया तो ए और बी मिलकर 5 4 9 भरेंगे और ये 6 खाली करेगा, ए और बी मिलकर 5 और 4 9 भरेंगे और सी मेरा 6 खाली करेगा, 6 खाली कर रहा है यानी कितना। अब हमारे देखो ए और बी ने 9 भरा और सी ने 6 खाली कर दे, मतलब टैंक में कितना रह गया 3 भर गया। अगले मिनट फिर यही होगा, ए और बी मिलकर 9 भरेंगे सी 6 खाली करेगा, कितना एक्स्ट्रा रहेगा क्योंकि सर 3 रह गया, इसका मतलब टैंक अब 3 3 करके भरेगा। तो भाई 3 का डिवाइड कर दो कितना आएगा, 3 3 9 3 9 2 27 3 9 27 यानी 39 मिनट में टैंक को भर देगा। देखो अगर बच्चे वो आपसे पूछता इन व्हाट टाइम द रिमेनिंग टैंक बी फुल, तो रिमेनिंग टैंक हमारा 39 मिनट में फुल हो जाता, लेकिन उस ये आपका आंसर होता। लेकिन उसने आपसे पूछा क्या, उसने आपसे पूछा कि कितने समय में टैंक भरा। टैंक भरने का मतलब समझते हो कि टोटल टैंक की बात कर रहा है, तो टोटल टैंक का मतलब हो गया टोटल टाइम। तो भाई टोटल टाइम की जब हम बात करेंगे तो ये 7 मिनट भी ऐड होंगे, तो 7 + 39 कितना हो गया 46 मिनट इज योर करेक्ट आंसर माई डियर स्टूडेंट। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए एक बार जल्दी से मुझे बताइए यस सर क्लियर हो रहा है, कोई डाउट नहीं सर। एंड माय डियर स्टूडेंट अगर आपको सेशन क्लियर हो रहा तो सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सर फास्ट। चलो एक बच्चा कह रहा कि सर टाइम एंड वर्क के अल्टरनेट वाले क्वेश्चन की ट्रिक समझ में नहीं, चलो कोई बात नहीं मैं फिर से करा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत बार आपको मॉक देखने को मिलेंगे, मॉक में आपको टाइम एंड वर्क के अल्टरनेट वाली क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है चलो टेंशन की कोई बात नहीं। बस आप लोग यार थोड़ा सा लाइक एंड शेयर भी करा करें क्वेश्चन, हमें भी अच्छा लगता है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक
इन 12 मिनट एंड 15 मिनट रिस्पेक्टिवली। मतलब जो ए है वो 12 मिनट में भरता बच्चे, और जो बी है वो 15 मिनट में भरता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है अनदर पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 6 मिनट, और जो सी है टैंक को 6 मिनट में खाली कर देता है, और जो सी है टैंक को 6 मिनट में खाली करता है। सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम कितना आएगा कोगे सर, एलसीएम कितना आएगा इनका, अगर मैं बात करूँ एलसीएम आ जाएगा 60, एलसीएम कितना जाएगा 60। जो ए है 12 मिनट में 60 भर रहा है, एक मिनट में कितना भरेगा 12 पंचे 60, बी 15 मिनट में 60 भर रहा है, एक मिनट में कितना भरेगा 4, सी 6 मिनट में 60 भर रहा है यानी कितना खाली, सी 6 मिनट में 60 खाली कर रहा है यानी 10 खाली करेगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है, आगे बच्चे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बच्चे फर्स्ट ए एंड बी आर ओपन आफ्टर 5 मिनट सी इज ऑल्सो ओपन। क्या पहले ए और बी खोले जाते हैं, 5 मिनट के बाद सी खोला जाता है। देखो अगर 5 मिनट के बाद बच्चे सी खोला जा रहा है तो इसका मतलब ए और बी पहले 5 मिनट तक खुले रहे ना। ए कितना भर रहा है 5, बी कितना भर रहा है 4, दोनों मिलकर कितना भर रहे हैं 9, और 5 मिनट तक खुले रहे, 5 मिनट तक खुले रहे इसका मतलब 45 लीटर हमने भर दिया, 45 लीटर मैंने भर दिया। अब सी को भी खोला गया, 60 लीटर की टंकी थी 45 लीटर बच्चे मैंने भर दिया, अब सी को भी खोला गया। अब जब हम सी को खोलेंगे तो ए और बी मिलकर 5 और 4 9 भरेंगे, क्या ए और बी मिलकर 5 और 4 9 भरेंगे, और सी 10 खाली कर रहा है, सी 10 खाली कर रहा है, सी 10 खाली कर रहा है। ठीक है, सी 10 खाली कर रहा है, कितना एक्स्ट्रा खाली कर रहा है, क्योंकि सर एक यूनिट एक्स्ट्रा खाली कर रहा है। एक बात हमेशा याद रखो, अगर भरने का सम ज्यादा होता तो बच्चे टैंक भरने लगता है, और खाली करने का सम ज्यादा होता तो टैंक खाली होने लगता है। ए और बी मिलकर 5, 4, 9 भर रहे हैं और सी 10 खाली कर रहा है, कितना एक्स्ट्रा खाली कर रहा है, क्योंकि सर एक खाली कर रहा है एक्स्ट्रा, वो एक कहां से खाली करेगा, वो एक यहां से खाली करेगा। अब यहां पे 44 बचेगा, अगले मिनट फिर यही होगा, ए बी मिलकर 5, 4, 9 भरेंगे और सी 10 खाली करेगा, कितना एक्स्ट्रा खाली कर रहा है, सर एक एक्स्ट्रा खाली कर रहा है, वो एक यहां से खाली करेगा, 44 में एक कम हो जाएगा 43 होगा, यानी टैंक एक एक करके खाली हो रहा है, और एक एक करके खाली हो रहा है तो 45 खाली होने में 45 मिनट लगेंगे, 45 मिनट के बाद आपका टैंक क्या होगा, खाली हो जाएगा। आंसर कौन सा है, बी ऑप्शन। जितने लोग 15 आंसर कर रहे हैं सबको पाप लगेगा, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो, केवल जय माता दी करके जुड़ जाते हो। पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करो। अंकिता जी, शिवानी जी, भैया सही से पारस, मतलब कैसे कैसे मतलब गलत कर रहे हो, क्यों गलत कर रहे हो, रीजन क्या है? अब इतने मतलब छोटे छोटे अगर आप क्वेश्चन गलत करेंगे, हार्डली 10 सेकेंड का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको आरआरबी में मिलने वाले हैं, और अगर आप यहां गलत करो तो पेपर में कैसे करोगे यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अभी एक बच्चा कह रहा सर 15 होगा, बहुत बढ़िया, पापी लोग सच में तुम लोग बहुत पापी हो गए हो। पापी लोगों, चलो देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लेना फिर लगाने की कोशिश करना, नहीं तो ऊपर ऊपर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है बहुत ध्यान से देखो, क्वेश्चन कह रहा है अ टैंक हैज 3 पाइप्स ए बी एंड सी, पाइप ए एंड बी कैन फिल इट इन 3 आवर्स एंड 3 आवर्स 45 मिनट रिस्पेक्टिवली। मतलब जो पाइप ए है वो टैंक को 3 घंटे में भरता है, और जो बी है टैंक को 3 घंटे 45 मिनट, 45 मिनट है ना, मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दो, डिवाइड बाई 60, 15 3 45, 15 4 60, 3 4 12 और 3 15, यानी 15/4 घंटे में भरता है। बहुत ध्यान समझते रहना, ए 3 घंटे में भरता है और बी 15/4 घंटे में भरता है। पाइप सी कैन एम्प्टी द कंप्लीटली फुल टैंक इन 1 आवर,
और जो सी है वो पूरे भरे टैंक को एक घंटे में खाली कर देता है। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखो एलसीएम कितना आ रहा है। सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं, और आपको पता है एलसीएम हमेशा न्यूमिनेटर वैल्यू का लेते हैं। मैं एक बार नहीं 10 बार बता चुका हूँ, एलसीएम हमेशा न्यूमिनेटर वैल्यू का लेते हैं। न्यूमिनेटर में कितना है? 315 और 1। न्यूमिनेटर में कितना है? 315 और 1। 315 और 1 का एलसीएम कितना है? 15। मतलब टैंक हमारा कितना 15 लीटर का है। अब बहुत ध्यान से देखो, जो ए है वो 3 घंटे में 15 लीटर भर रहा है। जो ए है 3 घंटे में 15 लीटर भर रहा है, एक घंटे में कितना भरेगा? 5 लीटर। जो ए है 3 घंटे में 15 लीटर भर रहा है, एक घंटे में कितना भरेगा? 4 लीटर। मान लो चार, ठीक है, क्या बोल रहे सर? पापी नहीं चलो बी 15/4 घंटे में 15 भर रहा है, बी 15/4 घंटे में 15 भर रहा है, इसका मतलब एक घंटे में कितना भरेगा? 4। अब देखो सी की बात करते हैं, सी एक घंटे में 15 खाली कर रहा है। सी एक घंटे में 15 खाली कर रहा है, मतलब पूरा का पूरा 15 खाली करेगा, कोई बात नहीं। इतना क्लियर? अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इफ द पाइप आर ओपन एट 1 PM, 2 PM एंड 3 PM रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 1 PM, 2 PM एंड 3 PM रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 1 PM, 2 PM, 3 PM रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब 1 बजे पाइप ए ओपन किया गया, 1 बजे पाइप ए ओपन किया गया, मतलब 1 बजे से लेके 2 बजे के बीच में, 1 बजे से लेके 2 बजे के बीच में। ठीक है, 1 बजे से लेके 2 बजे के बीच में पाइप ए ओपन है। ठीक है, ए कितना भरेगा? 5 भरेगा। अच्छा, जैसे ही दो बजेगा बी भी ओपन कर देंगे, ए और बी, मतलब 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में ए और बी दोनों ओपन है। ए और बी मिलकर कितना भरेंगे? 5 और 4, 9 भरेंगे। और जैसे ही 3 बजेगा ए बी और सी तीनों खुल जाएंगे, मतलब ए बी भरेंगे, सी खाली करेगा। ए बी भरेंगे सी खाली करेगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा एक बात देखो, अगर हम देखें तो 3 बजे तक कितने क्वेश्चन, अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं, अगर मैं आपसे कहूं 3 बजे तक, अगर मैं ध्यान से, आप बताना मुझे 3 बजे तक कितनी टंकी भर चुकी है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए 3 बजे तक बेटे कितनी टंकी भर चुकी है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। देखो ए 5 भर रहा है, बी 4 भर रहा है, ठीक है ए 5 भर रहा है, बी 4, सॉरी गाइस, अब जरा ध्यान से देखो, ए यहां पे देखो 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में 5 भर चुका है, 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में 5 और 4, 9 भर चुका है, यानी कुल मिला के 9, 5, 14 लीटर टंकी भर चुकी है। टंकी है कितने लीटर की? 15 लीटर की। भर कितनी चुकी है? 14 लीटर, यानी खाली कितनी? 1 लीटर अभी खाली है, 1 लीटर बच्चे अभी खाली है, कितनी खाली है? 1 लीटर अभी खाली है। ठीक है, अब क्या हुआ, 3 बजे तीनों नल खोल दिए गए, जब तीनों नलों को एक साथ खोलोगे तो ए और बी मिलकर 5, 4, 9 भरेंगे और सी 15 खाली करेगा। अब देखो खाली करने का सम ज्यादा हो गया, और जैसे ही खाली करने का सम ज्यादा हुआ टंकी खाली होने लगेगी। ठीक है, ए और बी मिलकर 5 और 4, 9 भरेंगे और सी 15 खाली करेगा। कितना एक्स्ट्रा खाली कर रहा है? 6 एक्स्ट्रा खाली कर रहा है। कितना एक्स्ट्रा खाली कर रहा है? 6 एक्स्ट्रा खाली कर रहा है। वो 6 कहां से खाली करेगा? यहां से खाली कर देगा, 14 में से 6, 8 बचेगा। अगली बार फिर यही होगा, ए बी मिलकर 5, 4, 9 भरेंगे, ये 15 खाली करेगा। कितना एक्स्ट्रा खाली कर रहा है? सर 6 एक्स्ट्रा खाली कर रहा है। इसका मतलब टैंक हमारा 6-6 करके खाली हो रहा है। अगर बच्चे टैंक हमारा 6-6 यूनिट करके खाली हो रहा है तो अभी भरा कितना है? कहोगे सर 14 लीटर। तो अगर टैंक हमारा 6-6 करके खाली हो रहा है तो 14 खाली होने में कितना समय ले लेगा? कैंसिल कर दो से कैंसिल कर देंगे 7, 2 से कैंसिल कर देंगे 3, 3 × 6 और 1 7/3 घंटे, यानी 2 घंटे तो पूरे हो गए। 1/3 घंटे का मतलब क्या होता है? 20 मिनट। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 2 घंटे 20 मिनट। और अभी टाइम कितना हो रहा है? क्योंकि सर अभी टाइम हो रहा है हमारा कितना? 3। 2 घंटे के बाद टाइम कितना होगा? 5:20 PM। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है, 5:20। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? एक बार जल्दी से मुझे बताइए सर क्लियर,
अच्छा अगर ये क्वेश्चन क्लियर, एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे सभी लोग, यस सर क्लियर। अगर माय डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया तो अब बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोग करके दिखा दो। एंड माय डियर स्टूडेंट सभी लोग क्या करेंगे यार, सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे। चलिए देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है चलो अब बहुत ध्यान से देखो भाई, जो खाली उसे थोड़ी ना खाली करेंगे, जितना टैंक भरा उसी को तो खाली करेंगे। चलिए देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है टू टैंक, यहां पे टैंक टू टैब होना चाहिए, टू टैब ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स एंड 12 आवर्स रिस्पेक्टिवली। जो ए है, जो पहला वाला है वो 15 घंटे में भरता है, जो बी है वो 12 घंटे में भरता है। ठीक है, द थर्ड टैप सी एबल टू एम्प्टी इट इन 4 आवर, जो सी है वो 4 घंटे में खाली कर देता है, 4 घंटे में खाली कर देता है। सबसे पहले आप एलसीएम ले लो, कितना आएगा 60, मतलब टैंक हमारा कितने लीटर का है, 60 लीटर का है। कह सकते हैं जो ए है 15 घंटे में 60 भर रहा है, 1 घंटे में कितना भरेगा 15 चौको 60, बी कितना भर रहा है 12 घंटे में 60 यानी 12 पंचे 60, और सी 4 घंटे में 60 खाली करा यानी 15 खाली कर देगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। अब बहुत ध्यान से देखो क्वेश्चन कह रहा है, इफ दीज टैब आर टू बी ओपन एट 8 AM 9 AM 11 AM रिस्पेक्टिवली। 8 AM पहला 8 बजे खुला है, दूसरा 9 AM और 11 AM रिस्पेक्टिवली, ये हुआ है। तो भाई 8 बजे से लेकर 9 बजे तक केवल पाइप ए ओपन होगा, तो कितना भरेगा 4। 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में ए और बी ओपन होंगे, कितना भरेंगे, ए और बी मिलकर 5 4 9 भर रहे हैं, 5 4 9 भर रहे हैं, और 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में 2 घंटे का समय यानी 9 × 18 भर देंगे। और जैसे ही 11 बजे का अब सी को भी ओपन कर देंगे तो ए बी भरेंगे, सी खाली करेगा, ए बी भरेंगे सी खाली करेगा। अब जरा ध्यान से देखो दोनों मिलकर कितना भर रहे हैं, 18 4 22 अभी तक 22 लीटर भर चुका है। अब क्या हुआ, सी को खोल दिया गया। अब जब सी को खोलेंगे तो ए बी मिलकर 5 और 4 9 भर रहे हैं और ये 15 खाली कर रहा है, कितना खाली कर रहा है 15 खाली कर रहा है, कितना एक्स्ट्रा खाली कर रहा है, क्योंकि सर 6 एक्स्ट्रा खाली कर रहा है, वो 6 कहाँ से खाली करेगा, यहाँ से खाली कर देगा, यहाँ पे 16 बचेगा, अगले घंटे फिर यही होगा। ए बी मिलकर 5 4 9 भर रहे हैं, सी 15 खाली कर रहा, कितना एक्स्ट्रा खाली करेगा, कहोगे सर 6 एक्स्ट्रा खाली करेगा, फिर यहाँ से 6 खाली कर देगा, कितना बचेगा 10 बचेगा। इसका मतलब ये जो 22 लीटर है 6 6 करके खाली हो रहा है, यानी कितनी देर में खाली हो जाएगा, तो आप टाइम निकाल लो, 22 / 6 11/3 3 × 3 = 9 2 11/3 घंटे, मतलब 3 घंटे तो पूरे पूरे हो गए। 2/3 घंटे का मतलब क्या होता है, 2/3 घंटे है ना, तो इसको भी मिनट पे कन्वर्ट कर दो तो 40 मिनट आ जाएंगे, 40 मिनट आ जाएंगे। और अभी टाइम हो रहा है 11 12 1 2 यानी 2:40 पर, और AM से उस वक्त PM में कन्वर्जन हो चुका होगा, 2:40 यानी ऑप्शन नंबर डी। भाई मेरे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, एक बार जरा जल्दी बताइए सर क्लियर, मजा आया कि नहीं आया। चलो बोलो मजा आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सर, फास्ट क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी बताइए।
देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स एंड अनदर वेस्ट पाइप एंड अनदर वेस्ट पाइप एम्प्टी टैंक 5 लीटर पर सेकेंड। बहुत ध्यान समझना क्वेश्चन। इफ बोथ पाइप आर वर्किंग टुगेदर फिल द टैंक इन 100 मिनट, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कैसे करेंगे? बहुत ध्यान समझना, बहुत बहुत ध्यान समझना। जो पाइप ए है, मान लो पाइप ए है, ये टैंक को 20 मिनट में भर देता है, और एक वेस्ट पाइप बी है, वो टैंक को 5 लीटर पर सेकंड खाली करता है, 5 लीटर पर सेकंड खाली करता है। जो पाइप बी है वो टैंक को 5 लीटर पर सेकंड खाली करता है, ठीक है। अच्छा, इसकी बात बाद में करेंगे, पहले आगे देखो। आगे क्वेश्चन कह रहा है इफ बोथ पाइप आर वर्किंग टुगेदर फिल द टैंक इन 100 मिनट। क्या? इफ बोथ पाइप आर वर्किंग टुगेदर फिल द टैंक इन 100 मिनट, ठीक है भाई। जरा ध्यान से देखो, यहां पर देखो ए और बी मिलकर कितनी देर भर रहे हैं, 100 मिनट में भर रहे हैं। जब देखो, जब ए और बी को एक साथ खोलोगे तो बच्चे क्या होगा, जब ए और बी को एक साथ खोलोगे तो ए भरेगा बी खाली करेगा, जिस कारण से आपको 100 मिनट का टाइम लग रहा है, ठीक है। एलसीएम ले लो, कितना गया 100। देखो ए जो है 20 मिनट में 100 भर रहा है, एक मिनट में कितना भरेगा 5। ए माइनस बी करने पे 100 मिनट में 100 भर रहा है, अगर 100 मिनट में 100 भर रहा है तो एक मिनट में कितना भरेगा 1। बोलो क्लियर। अच्छा देखो, एक कुछ भरता है, बी कितना खाली कर देता कि एक बचे, तो कहोगे सर 4 खाली करता। ए 5 भरता है, बी कितना खाली कर देता कि 4 बचे, एक बचे, तो कहोगे सर 4 खाली करता है। अगर ऐसे कर लेते तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको पता है ए माइनस बी की वैल्यू 1 है, और ए की वैल्यू है 5 माइनस बी बराबर 1, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी 4। अच्छा बी 4 खाली कर रहा है, अगर बी 4 खाली कर रहा है तो 100 कितनी देर में खाली कर देगा, 25 मिनट में। 100 कितनी देर में खाली कर देगा, 25 मिनट में। अच्छा मिनट को कन्वर्ट कर दो सेकेंड, 25 × 60, 25 × 150, यानी 1500 सेकेंड में टैंक को खाली कर देगा। अब मुझे मालूम पड़ गया जो पाइप बी है वो टैंक को खाली करने के लिए 1500 सेकेंड लेता है, कितना लेता है 1500 सेकेंड लेता है। अच्छा 1500 सेकेंड में टैंक को खाली करा, और एक सेकेंड में कितना खाली कर रहा है, क्योंकि सर एक सेकेंड में 5 लीटर खाली कर रहा है, मतलब कैपेसिटी कितनी है 1500 × 5, 15 × 75, 7500 लीटर। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है बच्चे? डी ऑप्शन है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? फास्ट, सेम टाइप का है बच्चे, ये भी क्वेश्चन बनाइए। चलिए जल्दी बताइए भाई, टाइमर नहीं दिया लेकिन टाइमर का यूज करिए आप, आपकी समझ लीजिए कि आपको इतनी देर में क्वेश्चन का जवाब दे देना चाहिए था। ठीक है चलो, अजय जी कह रहे हैं सर इस क्वेश्चन के लिए धन्यवाद गुरु जी। अच्छा बेटा इसी क्वेश्चन के लिए धन्यवाद, बाकी क्वेश्चन के लिए क्या है? चलो देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो भाई क्वेश्चन कह रहा है जो ए है काम को 20 दिन में करता है, जो पाइप ए है वो 20 मिनट में भरता है, और जो बी है, देखो कह रहा है ना टू पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 20 और 24 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। ए 20 मिनट भरता, बी 24 मिनट भरता, चलो ठीक है। एंड अ वेस्ट पाइप एम्प्टी 17 गैलन पर मिनट, सी 17 गैलन पर मिनट, 17 गैलन पर मिनट खाली करता है, सी, ठीक है।
क्वेश्चन कह रहा ऑल द थ्री पाइप्स वर्किंग टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 15 मिनट। भाई जब तीनों पाइप को एक साथ को तीनों पाइप ए और बी भर रहे हैं और सी खाली कर रहा है, जिस कारण से हमें 15 मिनट का समय लग रहा है। सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा एलसीएम 120। एलसीएम कितना आएगा 120। जो ए है 20 मिनट में 120 भर रहा, यानी कितना भरेगा 6। बी 24 मिनट में 120 भर रहा, 5। ए प्लस बी माइनस सी करने में 15 मिनट में 120 भर रहा, यानी 8। अब बच्चे आपको पता है ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू कितनी, 8। और ए कितना भर रहा, 6। बी कितना भर रहा, 5। और सी बराबर 8। तो सी की वैल्यू कितनी होगी, 11 माइनस सी बराबर 8, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 3। इसका मतलब जो सी है वो 3 खाली कर रहा है, तो 120 खाली करने में कितना समय लेगा, 40 मिनट में टैंक को खाली कर देगा। और जो सी है वो 1 मिनट में 17 गैलन खाली करता है, इसी 1 मिनट में 17 गैलन खाली करता है, तो कैपेसिटी कितनी हुई, 40 गुणे 17, 17 चौको 68, यानी 680 गैलन। ऑप्शन नंबर सी, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। चले इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब ये क्वेश्चन आपको मैंने टाइम एंड वर्क में करा रखे हैं। चलिए बताइए, कल लेंगे आपका टेस्ट, कल होगा भैया आपका टेस्ट, याद रखना इस चीज को। चलिए इस क्वेश्चन को बच्चे हम आपको देते हैं होमवर्क में, सभी लोग इसका जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में मुझे, ठीक है। अब क्लास को खत्म करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे। भाई जितने लोग वेट कर रहे हैं IBPS RRB प्री टू मेंस बैच का, IBPS RRB प्री क्लर्क और PO दोनों की बात कर रहा हूँ, प्री टू मेंस बैच का, वो हमारा स्पेशल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप Y170 यूज करेंगे कोड, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। बट माय डियर स्टूडेंट, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन क्या होगा, भाई आप मेरा बैच मत ज्वाइन करो। क्यों? क्योंकि आप अगर केवल मेरा बैच ज्वाइन करोगे तो मैं वहां पर केवल IBPS RRB PO और क्लर्क की प्रिपरेशन कराऊंगा। क्या? IBPS RRB PO और क्लर्क की प्रिपरेशन कराऊंगा, लेकिन आपके आने वाले समय में तो बहुत सारे एग्जाम्स हैं, IBPS PO भी तो है, आने वाले समय में आप SBI भी दोगे एंड अदर बैंकिंग एग्जाम भी दोगे, उसके लिए क्या करोगे? तो भाई आप मेरा बैच ज्वाइन करोगे, फिर IBPS PO के लिए दूसरा बैच ज्वाइन करोगे, फिर SBI के लिए तीसरा बैच ज्वाइन करोगे, इन सभी का वन एंड ओनली सोल्यूशन क्या है, आप बैंक का महापैक ज्वाइन करो यार। बैंक के महापैक में आपको सारे बैंकिंग एग्जाम के लाइव बैचेस मिलेंगे, चाहे IBPS RRB PO क्लर्क हो या IBPS PO क्लर्क हो या आपका SBI हो या RBI हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी के आपको बैचेस मिलेंगे। एंड आशीष सर का वॉरियर बैच भी आपको इसमें मिल जाएगा, प्री टू मेन सब कुछ मिलने वाला है। तो इसको ज्वाइन करो, Y170 बच्चे मेरा रेफरल कोड है, जैसे ज्वाइन करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। बहुत नॉर्मल फी पे करनी पड़ेगी बच्चे आपको बैंक महापैक ज्वाइन करने के लिए। अब एक बार जल्दी समझ बताओ आज का क्लास कैसा लगा, अगर क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, और जितने लोगों ने अभी तक अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको जरूर मिला करें, ठीक है गाइस। चलिए तो आज हम यहीं तक रखते हैं, कल आपका एक लाइव टेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम प्लेस, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।